हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं जो जिनकी वजह से आपका वेट कम नहीं होता अगर आप डाइट भी मॉडिफाई कर लेते हैं, तो वो स्टेज ऐसी आ जाती है जिसको मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब होता है जब आपका बीएमआई 37.5 से ज़्यादा हो जाता है, और मॉर्बिड ओबेसिटी का मतलब ही ये है कि मोटापे की वजह से आपकी जान को खतरा है। और ये स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर आपको सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो इसी आधार पे हमारी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और ECHS ने और WHO ने ब्रैट्रिक सर्जरी अप्रूव कर रखा है कि जिन पेशेंट्स का BMI मोर देन 37.5 है वो डायरेक्टली सर्जरी के लिए जा सकते हैं। तो इस पे कितना की खर्चा आता है? सी खर्चा इनका जो हम इसमें 4 से 5 प्रकार के ऑपरेशन कर रहे हैं ब्रैट्रिक सर्जरी में। सो हर ऑपरेशन जो हम डिसाइड करते हैं वो पेशेंट की एज के हिसाब से, मान लो यंग पेशेंट है तो हम उस हिसाब से ऑपरेट करते हैं कि पेशेंट को लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स ना लेने पड़े। पेशेंट की लाइफस्टाइल के ऊपर, पेशेंट की सोशल हैबिट्स के ऊपर, मान लो कुछ ऑपरेशन है अगर पेशेंट स्मोक करता है तो हम उनमें बाईपास नहीं करते हैं। सो देयर मल्टीपल सर्जरीज ऑन एन एवरेज जो हम देखें अगर खर्चे की बात करें तो 2.5 से 3.5 लाख रुपए की सर्जरीज हैं। अभी तक फोर्टिस कितने ऑपरेशन कर चुके हैं? ऑलमोस्ट हम 800 ऑपरेट कर चुके हैं पिछले 4 साल में। तो अब हमने देखा है कि लाइक डे बाय डे नंबर जो है उसका बढ़ते जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल काफी एरिया से आपके पास लोग आते हैं, तो इनका आंकड़े कितने हैं किस तरह की बीमारी के? सी अगर हम देखूँ तो सबसे ज़्यादा जो मोटापा है पूरे नॉर्थ इंडिया में है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी सबसे ज़्यादा जो ओबेसिटी है वो पंजाब में है। पंजाब में और मॉडर्न वर्ल्ड में जैसे दिल्ली और लाइक गुड़गांव में, वहाँ पे क्या है कि लाइक एवरीवन हैज़ अ मॉडर्न लाइफस्टाइल। सबकी कोई भी जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, तो किसी के पास वर्कआउट के लिए टाइम ही नहीं है। सुबह को अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, रात को लेट आते हैं, आपकी डाइट इतनी मॉडिफाई है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आप थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है, डिप्रेशन में पेशेंट ओवर ईट करते हैं। तो देयर मल्टीपल फैक्टर्स। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ मदर एंड फादर ओबीज हैं तो उनके बच्चे भी ओबीज हैं, तो देयर इज जेनेटिक कंपोनेंट आल्सो। इसके अलावा जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये पॉइंट आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं मोटापे के शिकार हैं, डाइट के अलावा उनकी जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रही। इसका मेन रीज़न क्या है कि हम जो जंक फूड खाते हैं जैसे पिज़्ज़ा हो गए, बर्गर हो गए, उनमें हमको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है जो हमें चाहिए। उनमें सिर्फ हमें कैलोरीज मिल रही हैं और फैट्स मिल रहे हैं जिससे हमारा मोटापा बढ़ रहा है। जब आपका वेट बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और हो जाएगी जो हमें एसेंशियल चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से एक आप पेशेंट एक विशेष सर्कल में चला जाता है और उसे बाहर नहीं आ पाता है। सर्जरी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो आपके पास अगर हम साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जितने ओबेसिटी के साइड इफेक्ट्स हैं उसके हिसाब से अगर सर्जरी के साइड इफेक्ट्स की बात करें बिल्कुल नामात्र है। तो उनके इसीलिए मैं आपके अपने साथ अपने 4 पुराने पेशेंट्स लेकर आया हूँ मैं, जिन्होंने 2014 में ऑपरेट करवाया था और आज तक उनका वेट भी स्टेबल है, कम है। आप पूछ सकते हैं कि उनको 5 सालों में क्या क्या साइड इफेक्ट्स आए हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। हाँ जी, मैं भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। ये मेरे पास रोजी फूल पेशेंट है, ये मेरे चंडीगढ़ से पेशेंट है। इनके मैडम का वेट 114 किलो था, 2014 में इन्होंने ब्रैट्रिक सर्जरी करवाई थी। तो ये अपने टेस्टिमोनियल अभी आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये मेरे साथ मिस्टर विनोद बंसल है बठिंडा से, ये प्रेस रिपोर्टर है वहाँ पे। इनका वेट 157 kg था, इनको डायबिटीज थी जिसकी वजह से HbA1c जो हमारा टेस्ट होता है वो 14.7 था। तो डायबिटीज, देखो हम लोग कहते हैं कि मेडिकल साइंस बहुत आगे चली गई है, बट जो डायबिटीज़ है वो आज भी पूरली अंडरस्टूड है। जितने भी पेशेंट्स हैं डायबिटीज़ वाले, उनका किसी का भी पैनक्रेटिक फंक्शन इवेल्यूएट नहीं होता कि उनका पैनक्रियास कितना काम करता है। सिर्फ हम ब्लड शुगर देकर पेशेंट्स को मेडिसिन पे डाल देते हैं, अगर मेडिसिन से नहीं कंट्रोल होती तो इंसुलिन पे डाल देते हैं। और इसी वजह से जितने भी पेशेंट्स हैं वो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करते हैं, जैसे कुछ कितने लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, किडनीज खराब हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं, डायबिटिक फूड हो रहा है, आपको कार्डिक प्रॉब्लम आ रही है, मतलब स्टेंटिंग की जरूरत पड़ती है। सो इनका जो परमानेंट ट्रीटमेंट है दैट इज मेटाबॉलिक सर्जरी। इसीलिए इवन UK में अलाउ कर दिए है मेटाबॉलिक सर्जरी और ब्रैट्रिक सर्जरी को, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, जिसकी वजह से 4.5 साल की वेटिंग चल रही है। और ये बंसल जी ने मतलब 2 साल पहले करवाया था, तो इनके HbA1c जो 3 महीने वाला टेस्ट होता है 14.3 था, आज बिल्कुल 6.5 आ रहा था। फिर ये हमारे पास आए तो हमने इनका प्रॉपर वैल्यूएशन की, हमने इनकी मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की है और जिसकी वजह से आज इनका वेट 87 kg आ गया है। तो ये पेशेंट पहले कभी घर से बाहर भी निकल पाती थी, आज ये मतलब फैशन शोज में पार्टिसिपेट कर रही है। एंड ये हमारे पूना मैडम है, शी इज ए कोरियोग्राफर इन पंजाबी सिनेमा। तो शी वाज आल्सो डायबिटिक, इनका वेट 90 kg था जब इन्होंने ऑपरेट करवाया था और आज इनको भी 2 साल हो गए हैं।
तो मैम का वेट भी कम हो गया, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कोई इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, फिर भी ब्लड शुगर और एच बी वन सी नॉर्मल है इनका। तो दिस इज अ रीसेंट ट्रीटमेंट जो डायबिटीज के लिए है। और मैं, हमारा मेन एम ये है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो डायबिटीज से फाइट कर रहे हैं, अगर उनकी डायबिटीज मेडिसिन और इंसुलिन लेने के बावजूद कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उनको वेट नहीं करना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम्स आए कि हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाए, तो दे कैन गो फॉर मेटाबॉलिक सर्जरी।